अर्जुन विचार रहे ऐसी सुबह हमने आज तक तो नहीं देखी। शांति बनाए रखे हैं, विचार कर रहे हैं, वासुकी सभा में खड़े हैं अर्जुन और देख रहे हैं सुबह की तरफ और मन में सोच रहे हैं वो, अरे सुबह तो सम्मान के साथ में जब बैठा ला है अपने पास में जवाब दिया और अपने हाल बताओ, जवाब दिया मैं ठीक है, अपने हाल बताओ। बासुक ने जवाब दिया मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, कृपा है आप लोगों की परमपिता परमात्मा हमारे मन में एक बात घूम रही है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कह दूं। जवाब दिया हमने एक बात सुनी, उत्तरा का गर्भ है तुम्हारे पुत्र के बहू की, अर्जुन जो पुत्र के बहू के गर्भ उत्तरा का गर्भ है, हमने ये सुना है। अर्जुन बोले हाँ हाँ, इससे खुशी की बात और क्या होगी। जवाब दिया कैसे से, कि तुम्हारे गर्भ उत्तरा के गर्भ है और हमारे पत्नी के गर्भ है। वासुक बोला, वासुक बोला तुम्हारे उत्तरा के गर्भ है और हमारे पत्नी के गर्भ है। अर्जुन बोले महाराज मैं कुछ समझा नहीं, अरे मैं समझा रहा हूँ अर्जुन, पहले बैठो तो आप तो, अरे समझने की बात है तो मैं समझा रहा हूँ, वही बात सुनो अर्जुन। अरे
जवाब दिया अर्जुन, कसम गंगा मैया की मैं खा रहा हूं, अगर कोई छल करता है वो दंडन का भोगी होगा। अगर आ रही आ गया हो, अगर इच्छा हो, अब आप आई गए हो और मौसम भी ठीक है तो क्यों ना खेल हो जाए, ऐसा हो जाए। महाराज अर्जुन बोले, महाराज बासु बोला, अर्जुन तुम्हारे घर में उत्तरा के गर्भ, हमारे पत्नी के गर्भ, क्यों ना गर्भ की बाजी हो जाए। गर्भ की बाजी कैसे? सुनो सुनो, जो 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 खेल है, जो खेल खेलने जा रही है, इस खेल में जो जीत जाएगा, और जीतने वाले के यहाँ लड़का हुआ, हारने वाले के यहाँ लड़की हुई, तो शादी करनी पड़ेगी और कुछ खेल में नहीं है। अर्जुन बोले बस इतना है। सोचा अर्जुन ने और सोच करके तुरंत जवाब दिया, जवाब दिया, सुनो मेरी बात, जैसे एक लोग तो खैर जीतेगा, जो भी हम जीते हैं, आप जीते हैं, जैसे आप जीते गए हम हार गए, आपके यहाँ भी लड़की हुई, हमारे यहाँ भी लड़की हुई, तो ये खेल किधर जाएगा? दोनों के यहाँ जब लड़की हुई या दोनों के यहाँ लड़का हुआ, तो ये खेल किधर जाएगा? जवाब दिया, बहुत दिमाग देते हो अर्जुन, अगर दोनों के यहाँ लड़की हुई, तो जीतने वाले की लड़की जिस समय शादी होकर के जाएगी, तो हारने वाले की लड़की उसके साथ में दासी के रूप में जाएगी। अब लड़के की बात आई, जीतने वाले के यहाँ लड़का हुआ, हारने वाले के यहाँ लड़का हुआ, तो जिस समय शादी होगी ना, तो जो हारने वाले का लड़का उसके साथ नौकर बराबर रहेगा, क्या मंजूर है? जवाब दिया, मुझे मंजूर है, आ जाओ, हो जाए दो हाथ, पासे मंगाए गए, पासे मंगाए गए, जैसे ही पासों को लेकर के आया, अर्जुन को दिया जवाब, दिया लो खेलो, आप खेल प्रारंभ करो। जवाब दिया नहीं, जड़ आप अपना ले तो आप ही प्रारंभ करो। पास जैसे ही पास ने अपने हाथ में लिए, मन में उदास हो गया, घबरा गया, ऐसा न हो अर्जुन के पास में बाजी चली जाए। अर्जुन के जैसे हाथ में पास आए, अर्जुन ने बाजी डाली, पास हाथ उठाए, अर्जुन के हाथ में जैसे ही पासे दिए, भगवान को स्मरण किया और खेल खेल लिया। आज मेरे बस श्रोताओं, पासे अर्जुन के आ गए, और जैसे ही पासे अर्जुन के आए, अर्जुन ने जवाब दिया, महाराज अब क्या कर रहे हैं, तो हम जीत गए। जवाब दिया, बधाई हो, आप जीते इस खेल में।
देख लेना बस हमारे साथ छल नहीं होना चाहिए, समझ गए? जवाब दिया, बिल्कुल मैं समझ गया। अब तो जो बचन है वो बचन दे दिया। अर्जुन उस सभासद ने कल आए, जैसे ही वापस आए हैं अपनी हस्तनापुर में, धीरे धीरे कचहरी को बंद किया। अच्छा बंद किया है वासुक ने, पत्नी के पास में जैसे ही वासुक आया, आज जैसे ही वासुक को आता हुआ देखा है, चाचा पर बैठा दिया, जवाब दिया, पिया क्या बात है, क्यों चेहरा उदास है, क्या कारण है? जब जब हमारे महल में आते थे हमने ऐसा चेहरा आज तक नहीं देखा, आज क्या कारण बना? जवाब दिया, कोई कारण नहीं है, एक चिंता हमें खा जा रही है। क्या? वासुक बोले, आज हमारी सभा में आज अर्जुन का आगमन हो गया तो हमने हो सभा समाल हुए हुए कुछ अजीब कर डाला। क्या? आज हमने गर्व की बाजी लगा ली, गर्भ की बाजी। जवाब दिया, गर्भ की बाजी कैसे? गर्भ की बाजी ऐसे, आपके भी गर्भ था और उधर उत्तरा का भी गर्भ है, तो हमने अर्जुन से कहा है जो खेल में जो जीत जाएगा, जो खेल में जीत जाएगा लड़का हुआ, हार जाएगा लड़की हुई, तो शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि हम नाग लोग के राजा वो हस्तनापुर के हैं। हस्तनापुर के यहाँ लड़की हमारे यहाँ आएगी तो तुम नहीं जानती हराने, जीवन बंद हो जाएगा। अरे कुछ तो इज्जत हमारी पड़ेगी। जवाब दिया महाराज, अब तो चिंता करने की काय मतलब का बात है? जवाब दिया रानी, तुम्हें तो बात नहीं मालूम, मुझे चिंता इस बात की है, अगर तुम्हारे गर्भ से कन्या का जन्म हुआ, तुम्हारे गर्भ से अगर कन्या का जन्म हो गया तो हमें हस्तनापुर में शादी करनी होगी, तो हमारी इज्जत घट जाएगी, और हम नहीं चाहते हैं रानी हमारी इज्जत मिट्टी में मिले। आज मेरे भरी श्रोताओं, इतने शब्द जैसे ही सुने हैं मेरे भरी श्रोताओं, तो
तो जो रानी जो थी अपने हृदय सम्राट को समझा करके बोली, पिया क्यों चिंता कर रही हो, तुम्हें पता नहीं है एक बात नहीं मालूम है तुम्हें, कौन सी पता है? जवाब दिया, पिया हमारे गर्भ से पहली बार तो पुत्र का जन्म होगा। अगर किसी कारणवश पिया किसी कारणवश अगर कन्या का जन्म अगर हो गया तो पिया तुम्हें एक बात नहीं मालूम है, मालूम कौन सी? मैं मर जाऊंगी, अपनी आत्महत्या कर लूंगी, पर आपकी इज्जत है ना, इज्जत आपकी इज्जत मिट्टी में मिलने नहीं दूंगी। आज मेरे भक्त श्रोताओं जैसे इतने शब्द कहे हैं, जवाब दिया कोई बात नहीं, बासुक वहां से वापस आ गई, अपना कार्य संभालने लगे, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है, और जब समय व्यतीत हुआ है हुआ क्या? वही प्रसव की पीड़ा सताई मां को नागिनी के गर्भ से बहुत सुंदर कन्या का जन्म हुआ, उत्तरा के गर्भ से बहुत सुंदर बालक का जन्म हुआ, बालक का जन्म हुआ तो खुशियां मनाई जा रही हैं। अब देखो जिस घर में अगर लड़की जन्म ले तो खुशियां वैसे भी थम जाती हैं, और लड़का जन्म अगर ले ले तो खुशियां वैसे भी ओपन हो जाती हैं। उधर तो बहुत खुशियां मनाई जा रही हैं, हुआ क्या दादा?